So first question for today is, a rectangular lawn 80 meters by 60 meters has two roads each 10 meter wide running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the width. Find the cost of graveling them at 30 rupees per square meter. देखिए फिगर कैसा बनेगा इस क्वेश्चन में, समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन क्या है? इट इज गिवन लाइक दिस, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लॉन है आपका, ओके, और उसके सेंटर में ऐसे दो परपेंडिकुलर रोड्स बनाए हुए हैं और उनकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर ईच, तो ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर वाइड है, ओके, और आपको लेंथ और ब्रेड्थ कितना दिया गया है लॉन का, 80 मीटर्स बाय 60 मीटर्स, दैट मींस ये पूरा आपको 80 मीटर दिया गया है और ये पूरा आपको 60 मीटर दिया गया है. क्वेश्चन समझ आया आपको, फिगर कैसा बन रहा है क्वेश्चन का? यस मैम. आपको बोला क्या गया है कि ये जो रोड्स है इनको आपको पक्का करना है या ग्रेवलिंग करनी है इन रोड्स की, और उसका रेट है 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो दैट मींस आपको इसका एरिया चाहिए रोड्स का. यस मैम. और आप इसका एरिया निकालोगे कैसे? देखिए अगर ये टेन, ये आपके दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं छोटे छोटे मिडल में. यस मैम. अगर आप इस रेक्टेंगल को कंसिडर करो, फर्स्ट रेक्टेंगल को, तो वो 10 × 80 उसका एरिया हो जाएगा. और इस वाले रेक्टेंगल को कंसिडर करोगे तो 10 × 60 उसका एरिया हो जाएगा. मैम 60 किस? यस मैम. 60 ब्रेड्थ है ना बच्चे, ये देखिए ये 60 है और ये 10 है, 10 × 60 10 × 80 ये आ गया आपका 14. मैम 80 क्या है? 80 लेंथ आपको दी गई थी, 60 आपको ब्रेड्थ दी गई थी, तो वो ब्रेड्थ के इक्वल लेंथ का ही तो है रेक्टेंगल जो बन रहा है. देखिए अंदर रोड उतना ही लंबा रोड है ना जितनी ब्रेड्थ है. अगर ये वाली चीज 60 है तो ये भी तो 60 होगा ना, तो ये रेक्टेंगल की साइड क्या हो गई, 10 × 60. इस रेक्टेंगल की कितनी हो गई, 10 × 80. अब आपके डिड यू नोटिस कि ये वाला जो स्क्वायर बीच में बन रहा है 10 × 10 का, ये हमने दो बार काउंट कर लिया है इस एरिया में. यस मैम. जब आपने एक रेक्टेंगल कवर किया उसमें ही आ गया, दूसरे बार भी ये आ गया एरिया, तो हम इस एरिया को माइनस कर देते हैं 10 × 10 − 100, तो कितना आ गया इसका एरिया, कितना हो गया आपका 1300 मीटर स्क्वायर. ये किसका एरिया, आपका रोड्स का एरिया है, एरिया ऑफ रोड्स, राइट. लेकिन आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 30 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 39,000 रुपीज. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? दिस वॉज द मेथड फॉर दिस क्वेश्चन. बच्चे क्वेश्चन में आपको दिया गया है नीति, देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम एट 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 30 रुपीज, तो 1300 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 39,000. यस कृष्ण. यस मैम. आंसर विल बी ऑप्शन. मैम आपने मैम जो बॉक्स, मैम जो आपने 100 माइनस किया मैम बॉक्स का, मैम लेकिन मैम ये तो पूरे रोड का है मैम 10 10, तो मैम आपने नहीं बच्चे देखिए ये वाला जो सेंटर में है ये ऐसे बन रहा है, तो उसकी यहाँ से जब हम ऐसे चौड़ाई मेजर कर रहे थे वो भी 10 थी, और इधर से जब मेजर कर रहे थे वो भी 10 थी, तो एक स्क्वायर बन गया ये सेंटर में. यस मैम. यहाँ से इसकी ये 10 है और यहाँ से भी 10 है. देखिए अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आपको एक क्वेश्चन मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली एल प्लस बी इंटू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड्स. देखिए डायरेक्टली पुट कीजिए, लेंथ कितनी थी आपकी 80, ब्रेड कितनी थी 60, विड्थ कितनी थी रोड्स की
10 माइनस 100 तो ये कितना हुआ 14 140 इंटू 100 1400 माइनस 100 कितना एरिया आ गया 1300 एरिया आ गया. क्लियर हुआ सबको? यस मैम. ओके मैम. मैम इसमें जल्दी हो जाएगा हमारा. यस मेथड से इजी हो जाएगा. यस मैम इजी हो जाएगा बच्चे. तभी मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए. कई बार क्या होता है फॉर्मूला याद नहीं रहता इसलिए मैंने आपको मेथड बता दिया एक बार. ओके यस मैम इससे जल्दी भी हो जाएगा. यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सेम क्वेश्चन है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स है उनकी विड्थ है 2 मीटर लेकिन इसमें आपको पूछा क्या गया है. दिस वॉज द फिगर्स सच फिगर वॉज देयर. अब आपको पूछा गया रोड्स के बारे में नहीं पूछा गया. ये जो बच गया एरिया है उनके एरिया ये वाला एरिया पूछा गया है तो आप इसमें कर सकते हो रोड्स का एरिया निकालो और रेक्टेंगल पूरे रेक्टेंगल एरिया में से रोड्स का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको ये बाकी बचा हुआ एरिया मिल जाएगा. यस मैम. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद पेरीमीटर 48. अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो. यस मैम. डिवाइड बाय 4 करके 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. वेरी गुड. देखिए पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 12. ये साइड है स्क्वायर की और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है. नेक्स्ट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ. अगर आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का 1024 तो आप स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो. यस मैम. और आपको बोला गया एक रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बताने हैं जिसकी लेंथ जो है वो स्क्वायर की साइड के डबल है और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर की साइड से. तो आप अगर आपके पास स्क्वायर की साइड है तो आप दोनों चीजें लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हो रेक्टेंगल का सॉल्व कर सकते हो रेशियो निकाल सकते हो दोनों का. यस मैम. व्हाट अबाउट अदर्स. यस मैम. यस मैम. वेरी गुड. नेक्स्ट टोटल एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ अ चेसबोर्ड इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर इज 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर अराउंड द चेसबोर्ड. देखिए दैट मीन चेसबोर्ड कैसा है आपका. ये तो है आपका यहाँ पे ऐसे 64 छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं ठीक है और इसके अलावा यहाँ पे एक बॉर्डर है वो कितना है 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर है. ओके दिस इज गिवन. और जो ये सेंटर वाला एरिया है ये एरिया कितना आपको दिया गया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दैट मींस आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे ये 64 बॉक्सेस का एरिया है आपका. यस देखिए मेरे को एक बात बताइए बच्चे लिसन टू मी. अगर 64 टोटल स्क्वायर बॉक्सेस है और चेसबोर्ड भी आपका स्क्वायर में है तो इधर भी 8 बॉक्स होंगे और इधर भी 8 बॉक्सेस होंगे. यस मैम. राइट. और एक बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स कितना हो जाएगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस. मैम यस और नो. यस मैम. यस मैम. राइट. तो दिस विल बी 6.25. अगर एक बॉक्स का एरिया कितना है 6.25 है तो साइड कितनी होगी एक बॉक्स की 2.5. 25 का स्क्वायर 625 होता है. यस मैम. यस मैम. अगर साइड एक अब एक साइड पे एक बॉक्स की साइड तो है 2.5 और ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस है 8 बॉक्सेस है 8 बॉक्सेस है बच्चे एक लेंथ में 8 ऐसे हैं और 8 ऐसे है ना 64 तो तब थे टोटल तो दीज आर 8 बॉक्सेस तो 8 बॉक्सेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 × 2.5 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब आपको ये वाली लेंथ मिल गई है जो ये लेंथ थी आपके अंदर स्क्वायर बॉक्सेस की टोटल लेंथ मिल गई है आपको. अब आपको बोला गया कि ये 3 मीटर वाइड बॉर्डर है दोनों सर तरफ उसके
अराउंड द चेस बोर्ड, तो दैट मीन्स ये 20 है, अगर ये भी 3 ऐड हो जाएगा और ये 3 ऐड हो जाएगा तो चेस बोर्ड की साइड कितनी हो जाएगी, 20 + 6 26 हो जाएगी. यस मैम. यस मैम. 20 + 3 + 3 26 सेंटीमीटर आ जाएगी. इसमें आंसर में ऑप्शन आपका पीछे गलत दिया हुआ है, बट 26 आपका आंसर होगा. क्लियर? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मैम. हाउ मेनी स्क्वायर्स विद साइड हाफ इंच लॉन्ग आर नीडेड टू कवर रेक्टेंगल दैट इज 4 feet लॉन्ग एंड 6 feet वाइड. तो आप फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो. 1 feet इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? 2.65 कुछ अप्रोक्सीमेट. नहीं, 1 feet में बचे. एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 inches होते हैं. तो आप इसको भी इंचेस में कन्वर्ट कीजिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है, ये तो आ गया आपका टोटल रेक्टेंगल का एरिया. अब हाफ इंच लॉन्ग को आपको कवर करना है तो कितने आ जाएंगे स्क्वायर्स है, वो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू हाफ. इज इट क्लियर? यस मैम. तो आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 4 × 12 × 6 × 12 × 4. यस यस मैम. तो व्हाट विल बी द आंसर? 13824. जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन डी आंसर मिल जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? यस यस मैम. क्या हमने फॉर्मूला क्या लगाया? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बॉक्स, राइट? ठीक है. यस मैम. थ्री प्लॉट्स हैविंग एरियाज 110, 130 एंड 190 मीटर स्क्वायर आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू फ्लावर बेड्स ऑफ इक्वल साइज. इफ द ब्रेड्थ ऑफ अ बेड इज 2 मीटर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ बेड कैन बी. देखिए इसमें ना थोड़ा सा क्या है बच्चे, आपको HCF LCM का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, राइट? हमें ऐसा नंबर चाहिए. देखिए अगर इक्वल साइज के हमें फ्लावर बेड्स बनाने हैं तीनों प्लॉट्स में, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए एरिया जो तीनों को डिवाइड करेगा. मैम 10. 10 होता है, तीनों को 10 ही डिवाइड करता है और तो नहीं कोई भी नंबर करता. HCF क्या है तीनों नंबर्स का? 110, 130 and 190 का HCF है 10. तो हमें 10 meter square एरिया चाहिए वन फ्लावर बेड का, तभी वो इक्वल फ्लावर बेड्स बनेंगे सारे. तो फ्लावर बेड की आपको ब्रेड्थ दी गई है 2 meter, तो 2 meter × x meter = 10. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 meter आ जाएगी. ऑप्शन है आपका आंसर. यस मैम. ऐसे आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करना है. डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि HCF LCM आपको डायरेक्टली ही यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस मैम. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू टाइल अ फ्लोर ऑफ लेंथ दिस डिवाइड इनटू दिस. तो अगर आप इसका टोटल एरिया निकालोगे तो एरिया आपका नंबर क्या आएगा कोई स्क्वायर में, वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. यस मैम. टाइल ऑफ फ्लोर ऑफ लेंथ दिस हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में. यस बच्चे वो तो करना पड़ेगा, बट इसमें कुछ मिसिंग है. मिसिंग क्या है कि इसमें आपको जो स्क्वायर टाइल है उसकी डायमेंशन नहीं दी गई है. आइडेंटिकल बोला गया कि एक जैसी स्क्वायर टाइल्स तो लगेंगी, लेकिन हमें क्या पता कितनी टाइल्स लगेंगी जब तक हमें एक टाइल का एरिया नहीं पता होगा. सो दिस इज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. ओके. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.